जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी के शेयर प्राइस में लगातार गिरावट क्यों हो रही है, जबकि हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो फंडामेंटल है वो धीरे धीरे हमें मजबूत होते हुए दिखा है। पिछले कुछ समय फंडामेंटल बहुत ज्यादा मजबूत हुआ इस कंपनी का, और साथ में कंपनी जो काम करती है, जिस जिस बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है मैं आपको बताऊंगा, उस बिजनेस का कहीं ना कहीं विस्तार होते हुए भी दिखा है। पिछले कुछ समय में वैश्विक स्तर पर कंपनी के काम को एक अलग ही पहचान मिली है, लेकिन इन सबके बावजूद कंपनी के शेयर प्राइस में इजाफा नहीं हो रहा है। इसको इस वीडियो में समझेंगे और बताऊंगा कि आपको क्यों घबराना नहीं है यदि आपका इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है तो। बल्कि जो नए व्यक्ति अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते नहीं किए हैं या जिनका पहले से भी इन्वेस्टमेंट है, उनको मैं और आपको सलाह दूंगा कि गिरावट कहीं ना कहीं आपको एवरेजिंग का भी मौका दे रहा है। सही लेवल देख के मैं बताऊंगा, आप उसमें एवरेज कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये स्टॉक फटने वाला है, बूम करने वाला है। कंपनी का जो काम है, मैं आपको बता दूं कि कंपनी एक IT सर्विस देने वाली कंपनी है। हालांकि ये सिर्फ IT सर्विस नहीं देती है, आज के समय में ये कंपनी, आपको मैं बताऊं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, BPO, लर्निंग, मार्केटिंग, हेल्पिंग, तमाम तरह का कंपनी कामकाज करते हुए नजर आ जाएगी। और ये कंपनी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर, यानी कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे अपनी सेवाएं देती है। अमेरिका जैसे देशों में कंपनी के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है। हालांकि मेन जो इसका हेड क्वार्टर है वो तो नोएडा में है। 1993 ईस्वी से लेकर आज तक कंपनी का जब आप ग्रोथ देखेंगे तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं हुई है, अभी भी छोटी, लेकिन पेनी स्टॉक से निकल के कंपनी अब स्मॉल कैप श्रेणी की कंपनी बन गई है। तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के ग्रोथ को दर्शाता है। हालांकि ये कंपनी पेनी स्टॉक नहीं रही, लेकिन शेयर प्राइस के लोग कंपेरिजन से जब लोग देखते हैं तो इसको पेनी स्टॉक में कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं कर रहा है। काम धाम कंपनी के काफी बढ़िया है। काम के बेसिस पे जैसे मैंने शुरू में बताया, कंपनी ग्रो करते हुए नजर आ रही है। फंडामेंटल भी कंपनी का काफी ग्रो हुआ है पिछले कुछ समय में। मार्केट कैप पेनी स्टॉक से बढ़कर 600 करोड़ के आसपास हो गया है, यानी कि स्मॉल कैप श्रेणी में कंपनी शिफ्ट हो गई है। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे, कंपनी का बढ़ा है, 2% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, जो काफी शानदार बात है। यहाँ पे देखिए, स्टॉक का PE IT कंपनी को जब देखते हैं तो महंगा होता है, लेकिन स्टॉक का प्राइस गिरा है तो इसलिए सही लेवल निकालेंगे जहां पे हमें नया बाई करने का मौका मिल सकता है या एवरेजिंग करने का मौका मिल सकता है। नीचे जब एक साल के चार्ट पर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक का प्राइस अपने एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ठहरा हुआ था, 3.5 रुपए के आसपास, और 3.5 रुपए से लेकर 4 रुपए के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था। सबको उम्मीद ये थी कि क्योंकि इससे बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा ही होता है, जाना भी इसको ऊपर ही चाहिए था, लेकिन क्या होगी, प्राइस यहाँ से आ गया नीचे, डाउन ट्रेंड में प्राइस शुरू हो गया है। लेकिन क्या ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अभी कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर आने वाले हैं। क्वार्टर टू के नंबर के कई अपडेट है, मैं आपको BSE इंडेक्स वेबसाइट पर दिखाऊंगा, और ये क्वार्टर टू के नंबर अच्छे आएंगे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि पहले जो क्वार्टर वन का नंबर आया है, जून क्वार्टर का, वो भी अच्छा आया। तो इससे होगा क्या, ये जो प्राइस नीचे आ रहा है ये इस सपोर्ट के आसपास आएगा, ये जो सपोर्ट है 3 रुपए के आसपास, और इसी सपोर्ट पे आके ये प्राइस फिर से ठहर जाएगा। और यहाँ पे ठहरने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा प्राइस समय बिताएगा और फिर समय बिता के यहाँ पे ऊपर निकलेगा, तो इस लेवल, इस रेंज में आ जाएगा जो कि ये वाला रेंज है, 3.5 रुपए से लेकर 4 रुपए। और हमें क्या चाहिए कि प्राइस अपने रेंज बाउंड में आ जाए, क्योंकि रेंज बाउंड में अगर प्राइस आ गया तो निश्चित ही जब रेंज बाउंड से प्राइस निकलेगा तो प्राइस जाएगा ऊपर। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ये जो हायर हाई बनाते गया है प्राइस, एक एक स्टेप को आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, 4.5 रुपए तक आएगा, फिर 5 रुपए तक, और फिर ये 6.5 रुपए तक आएगा। मतलब मैं शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर आने तक का। और उसके पहले क्या करना है, उसके पहले घबराना नहीं है, क्योंकि जिसमें मैंने बताया कि प्राइस ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए के लेवल तक आ सकता है। यहीं पे आके अब ये देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस कहीं ना कहीं नीचे आ रहा था लेकिन फिर उठने लगा, यानी कि यहीं पे अभी कुछ दिन समय बिताएगा और समय बिता के ऊपर आएगा इसी रेंज में जो कि मैंने आपको बताया। तो ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल में कुछ और चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप क्वार्टर्स के नंबर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि धीरे धीरे कंपनी का जो फंडामेंटल है कहीं ना कहीं ग्रो ही किया है, डाउन नहीं हुआ है। इसलिए अब जो जून क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, सॉरी सितंबर क्वार्टर का, यानी क्वार्टर टू का, उसमें देखेंगे कि जून क्वार्टर में जो भी कंपनी का सेल्स हुआ इससे ज्यादा होगा। और उम्मीद है कि इस बार ये जो पिछले कुछ क्वार्टर से 9 के श्रेणी में देखेंगे कंपनी का सेल्स हो रहा है 9 करोड़ के आसपास, वो 10 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है, यानी कि डबल डिजिट में होने वाला है। इसलिए लोगों को काफी उम्मीद है क्वार्टर टू के नंबर से। यहाँ पे सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ेगा, सेल्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी पहले लॉस में थी, लेकिन क्वार्टर वन के रिजल्ट में कंपनी प्रॉफिट में आ गई थी, और क्वार्टर टू के रिजल्ट में कंपनी अपने प्रॉफिट को डबल करने की उम्मीद कर रही है। हालांकि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी
इसके प्रॉफिट को डबल होने का वेट कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, क्वार्टर टू के नंबर आने तक वेट करना है। कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाएगा, जाहिर सी बात है शेयर प्राइस में इजाफा होगा ही होगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर फिलहाल कोई डेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास जो भी पैसा आएगा कंपनी उससे अपना कर्जा चुकाएगी, प्लस यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व में भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट पड़ा हुआ है, 257 करोड़ के आसपास। इसलिए फ्यूचर में इस कंपनी के ग्रोथ की बहुत ज्यादा संभावना है। तो शॉर्ट टर्म में प्राइस के ऊपर नीचे होने से आपको घबराना नहीं है, आपका होराइजन लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो निश्चित ही आपको इसमें मुनाफा ही होगा। और जैसे मैंने बताया कंपनी के क्वार्टर टू के क्या अपडेट है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। क्वार्टर टू के लिए सितंबर क्वार्टर में नोटिफिकेशन आया था सितंबर लास्ट पे कि इसकी जो ट्रेडिंग है, अब ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई, तो जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट जो है जल्दी आएगा क्योंकि ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। उम्मीद है इस मंथ में, मंथ के पहले, नवंबर मंथ के पहले या दूसरे वीक में इसका रिजल्ट आ सकता है। तो रिजल्ट आने तक वेट कीजिए, रिजल्ट आएगा निश्चित ही ये स्टॉक फटेगा, फटेगा यानी कि तहलका मचाएगा। तो इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।